Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Our students tell 10th class maths coordinate geometry. तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपका इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये देखिए आपका ये कार्टेशियन सिस्टम होता है स्टूडेंट्स। तो कार्टेशियन सिस्टम जो होता है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि अगर एक्स एक्सिस पर ये स्टूडेंट्स इस यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उस वहाँ पर वाई की वैल्यू जो है ज़ीरो होती है। तो इसमें स्टूडेंट जो समझने वाली बात है वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर एक्स एक्सिस जो है वाई इक्वल टू ज़ीरो होता है और फॉर वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स ध्यान रखने की है। और इसमें एक होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, चूँकि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है स्टूडेंट्स ये टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो इसमें एक पॉइंट में दो ही एक्सेस होते हैं, एक्स और वाई। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है स्टूडेंट्स, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस फार्मूला में क्या है स्टूडेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो अगर एक पॉइंट एक्स वन वाई वन है और दूसरा पॉइंट एक्स टू वाई टू है, तो मान लीजिए ये ए के कोऑर्डिनेट है, ये बी के कोऑर्डिनेट है। तो ए बी जो होगा, ए बी का मतलब है ए और बी के डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट डिस्टेंस फार्मूला होता है। फिर एक इसमें होता है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक मान लीजिए हमारा लाइन सेगमेंट है ए, तो इस लाइन सेगमेंट ए पर एक पॉइंट पी कहीं पर भी, ये पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स कॉमा वाई, ए का कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स टू वाई टू है। तो ये पॉइंट पी इस सेगमेंट ए बी को एम वन रेशियो एम टू में डिवाइड करता है, यानी ए से पी तक की जो डिस्टेंस है ये इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स है एम वन और पी से लेकर के जो बी है ठीक है इसकी वैल्यू है एम टू। तो ये एम वन है स्टूडेंट्स और ये आपका एम टू है। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमें निकालना है तो एक्स इज इक्वल टू, तो एम वन और एक्स टू ये स्टूडेंट्स दूर दूर का मल्टीप्लाई होता है एम वन और एक्स टू। तो ये हो जाएगा एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो ये एक्स के कोऑर्डिनेट ऐसे स्टूडेंट्स इसमें फाइंड होते और वाई का ऐसे ही हो जाएगा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो एक इसमें स्टूडेंट सेक्शन फार्मूला होता है। सेक्शन फार्मूला के बाद होता है एक मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट होते हैं, एक होते हैं स्टूडेंट्स मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स। तब मिड पॉइंट में क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट हो जाए तो इसका रेशियो ए से पी तक की वैल्यू वन होगी और पी से बी तक की वैल्यू भी वन होगी। तो इसमें एम वन और एम टू की जगह पे अगर हम वन वन रख दें तो देखिए यहाँ वन यहाँ वन यहाँ वन यहाँ वन, तो वन प्लस वन नीचे टू हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू और वाई इज इक्वल टू होगा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स बन जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। फिर इसके बाद एक और इसमें होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स जब हम ये फॉर्मूला होता है एक्स वन लेते हैं तो यहाँ आता है वाई टू माइनस वाई थ्री और जब हम एक्स टू लेते हैं तो वाई थ्री माइनस वाई वन, यानी यहाँ टू है तो यहाँ थ्री से शुरू होगा, थ्री के बाद वन, क्योंकि वन टू थ्री चलता है।
और एक्स थ्री यहाँ लेंगे तो ये आएगा वाई वन माइनस वाई टू। तो ये स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। अब अगर किसी केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल स्टूडेंट्स जीरो हो जाए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होने का मतलब है कि ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। और जब स्टूडेंट्स ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, यानी एक ही लाइन पर होंगे। ट्रायंगल नहीं बनेगा तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे। तो ये स्टूडेंट्स इसका स्पेशल केस है कि इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ज़ीरो देन द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये तीनों पॉइंट स्टूडेंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। चलिए अब क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ ए इज़ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब ये स्टूडेंट्स पॉइंट वाई एक्सिस पर है, हुज ऑर्डिनेट। स्टूडेंट्स ऑर्डिनेट का मतलब है, ऑर्डिनेट का मतलब है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स और जो एब्सिसा होता है, जो एब्सिसा होता है ये कहलाता है एक्स एक्सिस। और स्टूडेंट वाई एक्सिस के लिए, फॉर y एक्सिस, x इज इक्वल टू ज़ीरो और ऑर्डिनेट दिया है फोर, तो जो पॉइंट हमारा बनेगा वो ज़ीरो कॉमा फोर होगा। और दूसरा पॉइंट जो दिया है वो स्टूडेंट दिया है माइनस थ्री कॉमा वन। अब बस इनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करना, तो इसको a मान लिया हमने, इसको b मान लिया, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये पॉइंट हो जाएगा x2 y2। तो ए बी इज इक्वल टू, सबसे पहले स्टूडेंट फॉर्मूला लिखिए, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस रूट के अंदर आता है वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। और इसके ऊपर एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू ज़रूर लिखिए, नहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी तो टाइम बहुत कंजम्पशन होगा। तो अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, वाई टू एक्स टू माइनस एक्स वन, तो देखिए एक्स टू माइनस थ्री है तो माइनस थ्री माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस, अब ये हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन, तो वन माइनस फोर का होल स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये थ्री का तो ये आ जाएगा नाइन, और यहाँ भी थ्री बचेगा तो यहाँ नाइन आ जाएगा, तो रूट एट्टीन आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब रूट एट्टीन को क्या लिख सकते हैं, टू इंटू नाइन, तो ये हो जाएगा थ्री रूट टू, इतने यूनिट्स आ जाएगा, जो भी ये मीटर सेंटीमीटर, तो इतने यूनिट स्टूडेंट्स आ जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि इफ थ्री कॉमा थ्री बाई फोर इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स माइनस सिक्स कॉमा माइनस टू, इफ ज्वाइनिंग द पॉइंट्स के कॉमा ज़ीरो एंड सेवन कॉमा थ्री बाई टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब इसमें स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब स्टूडेंट देखिए थ्री कॉमा इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये है स्टूडेंट्स ये के कॉमा ज़ीरो और सेवन कॉमा थ्री बाई टू, और इसका मिड पॉइंट ये है, मिड पॉइंट दिया है थ्री कॉमा थ्री बाई फोर। तो ये हो गया स्टूडेंट्स एक्स वन वाई वन, और ये हो गया एक्स टू वाई टू, और ये हो गए एक्स वाई। अब इसमें बस फॉर्मूला लगा दीजिए, देखिए x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू। अब स्टूडेंट x की वैल्यू क्या है, थ्री, x1 कितना है k, x2 कितना है सेवन अपॉन टू, बस अब दूसरा और नहीं लगाना पड़ेगा y इज इक्वल टू, चूँकि k की वैल्यू यहीं से फाइंड हो जाएगी, चूँकि y में हम देख रहे हैं k नहीं आ रहा है स्टूडेंट, तो ये कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा इसमें। तो अब ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, तो सिक्स इज इक्वल टू के प्लस सेवन, तो k इज इक्वल टू सिक्स माइनस सेवन, तो ये आ गया माइनस वन इसका आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन और स्टूडेंट देखिए, द
थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें, ये है कि द सेंटर ऑफ सर्किल इज 4a-2 6a+2 एंड इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -6, -2 इफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज 40 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब स्टूडेंट्स में क्या आया कि द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4a-2 6a+2 एंड इज पासिंग थ्रू द पॉइंट इतने, इफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज 40 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब स्टूडेंट इसमें क्या है, ये इस तरीके से देखिए, ये एक डायमीटर हो गया। अब ये स्टूडेंट्स जो है सेंटर का मतलब है मिड पॉइंट, तो ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया ए और ये हो गया बी और ओ। तो अब ये स्टूडेंट्स जो पॉइंट दिए गए हैं ये हैं आपके 4a-2 और 6a+2। अब ये स्टूडेंट्स पास होता है एक पॉइंट से -6, -2। तो अब स्टूडेंट इसमें क्या है, डायमीटर दिया है, डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, तो इसकी जो रेडियस आर होगी वो होगी 20। तो अब स्टूडेंट्स ए ओ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या है, ए ओ, ये ध्यान से देखिए ए ओ। तो अब स्टूडेंट्स ए ओ इज इक्वल टू कितना है, 20। अब ए ओ हम फाइंड करेंगे तो हमें फॉर्मूला वही सेम हमारा अप्लाई होगा कि x2-x1² + y2-y1² अब ये हो गया स्टूडेंट्स x1 y1 और ये हो गया x2 y2। क्योंकि अगर स्टूडेंट ये वाला पॉइंट दिया होता तो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करके इसको कैलकुलेट कर सकते थे, ये वाला पॉइंट अगर दिया होता तो हम उसको कैलकुलेट कर देते। अब स्टूडेंट्स क्या है, ए ओ की जगह 20 लिख दीजिए। अब x2-x1, तो देखिए x2 की वैल्यू है 4a-2, फिर बीच में माइनस आता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया 6 इसका होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 की वैल्यू है 6a+2 और ये +2 ये हो गया। अब इन इसको सॉल्व कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो 20 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4a और 6-2 करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 6a+4। बस अब इसको हमें स्टूडेंट सॉल्व करना है, तो अब इसका देखिए बोथ साइड का स्क्वायर कर दीजिए, तो 400 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4a+4 का होल स्क्वायर और 6a+4 का होल स्क्वायर, तो 400 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16a² + 16 + 32a और ये हो जाएगा +36a² और +16 और +48a। अब ये स्टूडेंट्स बस इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 400 इज इक्वल टू 36 और 16, तो ये हो जाएगा 52a² और 40 70 और ये हो जाएगा 80a और ये आ जाएगा 16 और 16 32। अब इसके बाद स्टूडेंट इसको हमें करना है सॉल्व, तो देखिए 400 में से पहले 32 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 400 में से ये 32 हमारे चले जाएंगे, तो यहाँ 8 आ गया, यहाँ आ गया 6, तो 368 आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 52a² + 80a - 368 = 0। अब इसको जो है
4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 13a² + 20a - क्या नाम 36 और 4 × 8 ये आ गए 92। अब स्टूडेंट इसके हमें करने हैं फैक्टर ऑफ। अब स्टूडेंट इसमें हम धराचारी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a = ये हो जाएगा -b यानी -20 प्लस -√b² अब ये हो जाएगा b² यानी 20 का स्क्वायर -4a और c अपॉन 2a 2 × 13। तो ये स्टूडेंट्स जो है अब इसको सॉल्व कर देंगे हम तो ये आएगा हमारा -20 + 72 / 26 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 52/26 यानी इसका आंसर आ जाएगा ए की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स इसमें ये आ जाएगी देखिए ए की वैल्यू आपकी इसको सॉल्व करेंगे तो ये 72 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर ये माइनस आएगा -92 चूँकि ये माइनस का है स्टूडेंट तो ये 72 का स्क्वायर यहाँ पर बनेगा जो भी आएगा उसको हम ये तो अब यहाँ पर 52 बचेगा तो इसका आंसर स्टूडेंट ए की वैल्यू 2 आ जाएगी।